श्री गणेशाय नमः। मकर संक्रांति का त्योहार वैसे तो हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन इस साल यह त्योहार 15 जनवरी को मनाया जा रहा है। दरअसल मकर संक्रांति की शुरुआत 14 जनवरी को रात 8:43 पर होगी और इसका समापन शाम 5:40 पर होगा। इसीलिए उद्यातिथि के मुताबिक मकर संक्रांति 15 जनवरी को ही मनाई जाएगी। मान्यता है कि मकर संक्रांति पर किया गया दान आपको फल के रूप में 100 गुना वापस होकर प्राप्त होता है। इसलिए दान पुण्य के इस शुभ अवसर को गवाए बिना अपनी क्षमता के अनुरूप हम सभी को कुछ न कुछ दान जरूर करना चाहिए। तो आइए आज हम आपको बताएंगे कि इस दिन किन चीजों का दान करना बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। नंबर 1, दीप दान। मकर संक्रांति को रात्रि के समय मंदिरों, गलियों, तुलसी के बिरवों, पीपल के पेड़ के नीचे, बिल्व वृक्ष के नीचे, नदियों के किनारे, सड़क पर और सोने के स्थान आदि पर दीपक जलाया जाता है। जो व्यक्ति घी का दीपक जलाकर पुनः तिल के तेल का दीपक जलाता है, उसे अश्वमेध यज्ञ के बराबर लाभ मिलता है। नंबर 2, तिल का दान। मकर संक्रांति को शास्त्रों में तिल संक्रांति भी कहा गया है और इस दिन तिल के दान का खास महत्व माना गया है। ब्राह्मणों को काले तिल और तिल से बनी चीजों का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। नंबर 3, खिचड़ी का दान। मकर संक्रांति को प्रमुख तौर पर खिचड़ी का पर्व माना जाता है और इस दिन खिचड़ी का दान करने का विशेष महत्व भी माना गया है। इस दिन चावल और उड़द की काली दाल का दान खिचड़ी के रूप में किया जाता है। नंबर 4, कंबल का दान। मकर संक्रांति के अवसर पर कंबल और ऊनी वस्त्रों का दान करना भी बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन किसी गरीब जरूरतमंद या फिर किसी आश्रम में कंबल का दान जरूर करना चाहिए। नंबर 5, गुड़ का दान। मकर संक्रांति के दिन गुड़ का दान अवश्य करें। मकर संक्रांति के दिन गुड़ और काले तिल से बने लड्डू का दान किया जाता है। मकर संक्रांति पर गुड़ का दान करना और गुड़ से बनी चीजों को खाने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। नंबर 6, वस्त्र दान। मकर संक्रांति पर वस्त्रों का दान भी महादान माना गया है। इस दिन किसी गरीब और जरूरतमंद को एक जोड़ी वस्त्र का दान अवश्य करें। सदैव नए वस्त्रों का दान करना ही शास्त्रों में उचित माना गया है। नंबर 7, देसी घी का दान। मकर संक्रांति के दिन देसी घी और इससे बनी मिठाइयों का दान करना बहुत ही शुभ होता है। घी का संबंध सूर्य से होता है, इसी कारण से मान सम्मान, यश और भौतिक सुविधाओं की प्राप्ति के लिए मकर संक्रांति पर देसी घी का दान किया जाता है। नंबर 8, नमक का दान। मकर संक्रांति पर नमक का दान करने से विशेष तरह का लाभ मिलता है। शास्त्रों में बताया गया है कि मकर संक्रांति पर नमक के दान से अनिष्टों और बुरी ऊर्जाओं का नाश होता है और आपका बुरा समय भी टल जाता है। दोस्तों, शीघ्र ही मिलेंगे हमारी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।